सोमनाथ एक बहुत ही सैक्रेट, बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। गुजरात में विरावल के पास लोकेटेड यह टेंपल अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और कहा जाता है सोमनाथ की सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ही है। सोमनाथ मंदिर को दोस्तों कई बार मुस्लिम राजाओं के द्वारा तोड़ा गया और कई बार इसे फिर से बनाया गया। तो चलो सोमनाथ चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि सोमनाथ पहुंचा कैसे जाए। तो दोस्तों कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है विरावल, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है दीव एयरपोर्ट, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सोमनाथ में स्टे कहाँ करना है, कहाँ हमें रुकना है। तो दोस्तों सोमनाथ में सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा यात्री निवास बनाया गया है और वो भी काफ़ी चीप रेट में अवेलेबल है। रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हाइजेनिक है और अगर मैं डॉर्मिटरी की बात करूँ तो उसका कॉस्ट है 90 रुपये प्रतिदिन। ये देखो दोस्तों सोमनाथ के पास वाला रोड, यहाँ पे खाने पीने का रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल है, आप नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जैसा चाहो वैसा खा सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। ये ध्यान रखना कि जो दर्शन की टाइमिंग है वो 6 AM to 10 PM है और 3 टाइम आरती की जाती है, 7 AM, 12 PM और 7 PM। और दोस्तों लाइट शो भी किया जाता है शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो दोस्तों फिलहाल मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने और मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। ये सामने दोस्तों नर नारायण मंदिर है और इसके पास से ही बीच पे जाने का रास्ता भी जाता है। तो दोस्तों द्वारका में घूमने का कुछ और भी स्थान है मंदिर के अलावा, आप यहाँ पे अगर किसी ऑटो वाले से कहते हो तो 100-200 रुपये में सारा घुमा देगा, सब आसपास ही है, एक दिन में आप सब कुछ अच्छे से कवर कर लोगे द्वारका में। जैसे कि ये भालिका तीर्थ मंदिर, 5 पांडव गुफा। तो दोस्तों द्वारका का मैंने सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है, इसके साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।